को ठीक होना है। तो आज उसमें सोच भी चल रहा है सीलिंग पर, और मैं टाइडियस भी कर सकता था स्कूल का डॉक्टर के भी पार्टी भी है। पिछले वर्ष 1 किलो फूल, 100 कटिंग फूल सीड्स और इकाउंट पौधे डीएसपी परसर मेहता को ग्रेंट किए गए। तो जरूर सीलिंग की जो एसेंस है उसमें कुछ न कुछ निकलेगा। 1.5 लाख से ऊपर 1 लीटर की उसकी एसेंस की कीमत है और सदा बाहर है। टॉक्सिन का फूल संसार रहता है अच्छी, और सिर्फ उसकी विशेषता है कि 100-200 पौधे के अगर कहीं होंगे तो उसमें 1 या 2% तक ही मदर प्लांटर सीड बन पाते हैं, और बड़े चाव से उसको परसेंट आती है। उसका बीज जो आप बिल्कुल बहुत कम 1-4% से होता है। तो सेलिंग का हम लोग काम कर रहे हैं, और सेलिंग का करानी एक शब्द है तो हमने अब तक 250 लोगों के आसपास से ज़्यादा जो है सेलिंग के पौधे लगा दिए। मैंने अभी यहाँ आते ही बड़ी सर ने मुझे दिखाया उन्होंने, पिछले बार उन्होंने सेलिंग का पौधा यहाँ पर रोपित किया है। 5-6 साल अगर वो सीलिंग का पौधा आपके यहाँ पर शोभित होगा, उसकी जो फ्लावरिंग होगी तो आपको लगेगा कि 3 महीने तो आपको अगरबत्ती को ऐसी चीज लगाने की जरूरत नहीं। तो नेचर में सबसे महंगा सीलिंग का फूल है, इसलिए सीलिंग को हम जगह जगह बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में उसकी फूल छोड़ाई करके उससे एक हमारा उद्योग चलेगा। दूसरा जल स्रोत के आसपास जो सीलिंग का पौधा लगा रहे हैं हमारे कुमाऊं में चंद्रानी एक शब्द कहते हैं, दूसरा सीलिंग से भी उसको जोड़ा गया है। आज कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है, दर्दी हो जाती है, कई निजाम है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले श्री चंद्रानी लोग करते थे, माना किसी को उन्माद आ गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई है, दाल खाट कुल्ले घोड़े मुंसिया हो जा रही है, तो उस समय उस पेशेंट को सीलिंग के जल स्रोत के आसपास ले जाते थे, खूब उसकी सफाई से खून नहलाते थे और पानी पीने की राय वही देते थे। तो 1-2 बार नहलाने से वो बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता, ये सीलिंग का हुआ। तो इसलिए सीलिंग को बढ़ा रहे हैं। दूसरा मुगा रेशम पर हम अपनी वीडियो पर काम कर रहे हैं, जिसका भारत सरकार द्वारा हर से मुगा रेशम बोर्ड पर बनाया गया। उसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ लोकल में कॉल का पौधा होता है, कॉल कहीं पाव कहते हैं, कॉल कहते हैं, और मेरे यहाँ क्षेत्र में उसको सुन पाव कहते हैं। नेचर में सैतूत से बांध से मणिपुरी बांध से सैतूत और रेशम पैदा करा जा रहा है, ऐसा जिसे हम कहते हैं। और जो सर कॉल के पौधे से जो रेशम तैयार किया जा रहा है उसको आप कॉल का पौधा है, उसको मूंगा का पौधा नाम दिया गया है, और उससे जो सिल्क पैदा हो रहा है उसको मोटा सिल्क का नाम दिया गया है, गोल्डन कलर का है स्पेशली। तो जो बाकी रेशम 3,000 और 3,500 रुपये किलो बिकता है, मूगा रेशम का सिल्क सीधा 30,000 रुपये किलो बिकता है बाकी। तो कई जगह पर उसके मदर प्लांट लगाए, लेकिन सबसे ज़्यादा कपूर क्षेत्र में कॉल के पौधे हैं। इस बार हमने 9 ग्राम सभाओं में भारत सरकार की टीम के साथ 5 अन्य राज्यों के एक्सपर्ट थे अपने अपने सब्जेक्ट के रेशम के, वो लोग वो साइंटिस्ट भी थे। तो भारत सरकार के सदस्य सर्विस से तो आपके पतियासा जूनी खल जूनी आपके कन्याली कोट सिंधी पैसानी पाकड़ कई गांव में जाके देखा कि वहां पर कॉल के पौधे प्राकृतिक रूप से वैसे ही मौजूद हैं।